नमस्कार, मैं उस्मानी सुबहता, आप देख रहे हैं CNN न्यूज। इस वक्त मैं प्रेस क्लब जम्मू के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जम्मू के युवाओं का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों नारेबाजी की जा रही है। साफ तस्वीर प्रेस क्लब के बाहर की देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ पे जल शक्ति के एस्पिरेंट्स जो है वो सफरिंग कर रहे हैं। इनके 5 मंथ हो गया, इनका रिजल्ट नहीं आया। इनका कहना है कि हमारा जो है रिजल्ट निकल गया है। एलजी प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ जल शक्ति एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जस्टिस फॉर जल शक्ति अभियान द्वारा जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है वो यहाँ प्रदर्शन करेंगे। साफ तस्वीरें आप यहाँ दे सकते हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हम सारे मीडिया ऑफिस का स्वागत करते हैं कि आप हर बार हमारी इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित सरोटिया। क्या कहना चाहते हो, क्या कुछ आपकी डिमांड है जिसको लेकर भैया वहाँ प्रदर्शन? मैं हमने ये जल शक्ति जेई का 163 का पोस्ट मार्च 20 को दिया था। उसके बाद ना हमें कोई उसका रिजल्ट का आया कुछ कि क्या है क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। हम तब से वेट करे जा रहे हैं, ना उसका पता है कि अभी कल जो न्यूज़ आई है अमर उजाला में उसके बेसिस में, वो भी ऑफिशियली कुछ हमें कोई ऑफिशियल जेके एसएसबी से कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि उसका क्या हो रहा है, कि स्क्रैप होना है या नहीं होना है। इतनी देर से 3-4 महीने हो गए, नहीं उसका रिजल्ट का पता है कि आना है, कब आना है आगे। और जो एक्स चेयरमैन थे हमारे खालिद सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी 1024 पोस्टें मैकेनिक और सिविल की एडवर्टाइज करेंगे। उनके उनके साथ की बात हुई है, उन्होंने एक मीडिया चैनल के थ्रू बोला, स्टेट लाइन में उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने स्पेशली बोला था कि जो पिछले चेयरमैन है उन्होंने बोला था कि हम उसको भी रिलीज करेंगे पोस्टें। ना वही एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ना जो अभी जो 160 का रिजल्ट है। सर, हम करें तो क्या करें, और ऊपर से सर दिन डे बाय डे हमें ना कोई बता रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या करें हम। क्या कहोगे जो आपकी जो आवाज नहीं सुन रही, इसके पहले आपने कभी आवाज उठाई? हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि आप कुछ ना कुछ जो है कि वो ऑफिशियली कुछ ना कुछ बताएं कि उसका क्या करना है, स्क्रैप करना है तो स्क्रैप बताइए, या एटलीस्ट बंदे का एक साइड तो हो जाता है कि भाई क्या होना है, हमने अपनी लाइफ में क्या करना है। सर, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपका रिजल्ट निकालना है, उसके लिए कुछ करना। एक्चुअली मैम हमारी जो पोस्टें हैं वो उसका नंबर है कम, जैसे 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 बात करें SI की, वो उसकी पोस्टें थी 1200, और जैसे ये फॉग की हैं उनकी हैं 952 समथिंग पोस्टें। उनका तो चलो SI का जो भी था उन्होंने 1 महीने के अंदर जो भी CBI इंक्वायरी बैठी, हमारा जो दूसरी FA और JEE की जो थी उनका कुछ नहीं पता था लास्ट तक। फिर लास्ट में हमने जब वो करवाया था, लास्ट टाइम जब हमने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद हमारा जो वो पता चला कि ये बैठेंगे इंक्वायरी की, वो ही मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला कि ये होना है, स्क्रैप होना है। 5 महीने से वेट करते, 5 महीने से आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी से? हमने मैम अभी मैम हमने 1-1.5 महीने पहले हमने 209 का ये स्ट्राइक पे आए थे यहाँ पे, मैम हमने वहाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और हमें उसका ऑफिशियली ट्वीट मिला और उसका जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। तो ये हम जो हमें जो हमारी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, उन्होंने हमारी लास्ट जो था उसके लिए हमें उन्होंने हमारा पूरा योगदान दिया, पर हम चाहते हैं जो हमारा अगली जो पोस्ट है 163 का उसका स्क्रैप के साथ भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि स्क्रैप होना है या नहीं होना है वो हमें कुछ पता नहीं है। जो पिछला था 209 वाला वो उन्होंने कर दिया, उसका पूरा फाइनल क्लियर कर दिया, वो बच्चों की अभी 1-2 महीने में जब भी कैसे भी चाहे जेके सब्जी में जो 209 वाला है उनका पूरा रिजल्ट क्लेरिफाई हो गया, पर जो 163 है जिसकी हम आकांक्षा है कि ये स्क्रैप होना है क्या होना है, इसका रिजल्ट कब तक, अभी तक हमारा मैम रिजल्ट तक नहीं आया हुआ, तो हम क्या करें। कहाँ से बच्चे यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर? मैं यहाँ से डोडा से बच्चे आए हुए हैं, मैं बिलावर से हूँ मैम, कोई बच्चे कठुआ से आए हुए हैं, तो मैं जम्मू रजौरी से आए हैं, पुंछ से हुए हैं, मेरे बड़े सारे दोस्त जो इस बार भी उनके अच्छे स्कोर है, पर क्या करेंगे मैम, कितना पढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे मैम, क्या करेंगे। और ये जब भी न्यूज़ आती है कल मैम, कितने दिनों से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं, कोई भी बंदे जो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि क्या करें जिंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। हम यही अपील करते हैं जे कैसे इसे कि हमारा रिजल्ट को वो करें और एडवर्टाइज जल्दी से जल्दी करें कि हमें जो अगले जो आश्वासन हो जाए कि हम उसकी तैयारी करें, एटलीस्ट कुछ तो तैयारी करें, इसके चक्कर में हम अपनी पूरा फ्यूचर ही वो कर दें। और 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए कोई बोलता ही नहीं है, ना ही पोस्टें आती हैं, डिपार्टमेंट भी खाली पड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैम पहले हम 10-10 लाख रुपया देते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद कोचिंग करते हैं, लास्ट में ये अगर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो तो बच्चे हो ही जाएंगे, क्या करना है। जैसे ये जल शक्ति के एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी जो है वो लिस्ट निकाल जाए, हमारा जो रिजल्ट निकाला जाए, उनका या कभी भी कोई भी जो सोल्यूशन हल नहीं हो रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, हम क्या कुछ कहना है ये प्रदर्शन करने के लिए। सर, क्या नाम? मैम मेरा नाम अखिल शर्मा है। क्या कहना चाहोगे जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से क्या? जी मैम, मैम हम जेई जल शक्ति का एग्जाम जो 20 मार्च को हुआ था हम उसके लिए आज यहाँ पे आए हैं। आज 5 महीने से ऊपर हो गया है,
ना रिजल्ट आया है ना कुछ हुआ है अभी तक, और हमें कुछ पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। अभी तो कह रहे थे रिवाइज आंसर की आ रही है, रिवाइज आंसर की आई, फिर रिवाइज आंसर की आई, उसके बाद कहा कि अब आपका सीधे रिजल्ट आएगा। उसके बाद इन्होंने इंक्वायरी बिठा दी, अब आप बताइए हम क्या करें। आज 5 महीने हो गए हैं, ये बात इंक्वायरी के बाद कोई सलूशन निकला क्या, कुछ बात हुई आपकी, कोई आश्वासन मिला? इंक्वायरी के बाद हम जितनी बार भी हम JKSSB ऑफिस या GAD ऑफिस गए, वहाँ से हमको इतनी सी एश्योरेंस जरूर मिलती थी कि हो सकता है आपका जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि आप में इतने ज्यादा इंडिस्पेंसीज नहीं मिली है। 5 महीने से आप वेट करें, 5 महीने पहले हमने कभी आवाज उठाया आपसे? यस मैम, 5 महीने के पहले भी हमने इसके बीच में एक प्रोटेस्ट किया था जो हमने 209 कैंडिडेट्स के साथ किया था, सिलेक्टेड के साथ, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने हमारा इंक्वायरी में डाल दिया था और छोड़ के रिजल्ट निकालने के बजाय। मैम हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती करना चाहेंगे कि आप कृपया करके हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें, हमें पता तो चले कि हमारे रिजल्ट में आखिरकार आपको ऐसा क्या मिला है जो आपने उसको इंक्वायरी में डाला है। जल शक्ति अभियान के जो जल शक्ति एस्पिरेंट्स थे वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, और उनका कहना है कि हमारा जो रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, हमारा जल्द जल्द से निकाल दी, हमारी लिस्ट निकाल दी ताकि हमें भी जॉब मिले, हम भी अपने घर का जो है गुजर बसर कर सके, क्योंकि इनका जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है ठीक नहीं है। उसको लेकर जितने भी युवा वहाँ प्रदर्शन करें, अगर हम बात करें FAA के, अगर हम बात करें तो रबरे केयर के, अलग अलग डिपार्टमेंट हर जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड जो प्रशासन पूरी नहीं कर रही है। हमें प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि सभी युवाओं की जो है डिमांड पूरी की जाए, ताकि उनका भी जो है वो बस चल सके, उनका भी जो फ्यूचर जो दौर पर लगा है उसको सिक्योर कर सके। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JKSBN। मुझे बल्कि सारे स्पोर्टों को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।